गुड मॉर्निंग इन जय हिंद क्लास 12th, कॉन्टिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 6, दैट इज स्टाफिंग. यस्टरडे वी आर डन विद द सेलेक्शन प्रोसेस, द मीनिंग एंड प्रोसेस वी आर डन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्शन? इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स बाय विच कैंडिडेट्स आर स्क्रीन्ड for choosing the most suitable person for vacant jobs in the organization. Organization में जब कोई vacancy खाली होती है, कोई seat vacant होती है, so उसके लिए candidate की screening करना and choosing the most suitable person for that vacant job is selection. It involves a series of steps. This also we have done. The steps in the selection process is the very first one, receiving application and preliminary screening. Applications are being received by the candidates and a screening committee sits and decides while looking after all the things about qualification, experience of the candidate. They screen each and everything. Then comes selection test. Selection test mein kya hota hai beta? सेलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड ट्रेड टेस्ट. काम करते हुए देखा जाता है कि वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, उसकी कैंडिडेट की इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ट्रेड्स, पर्सनालिटी, एवरीथिंग इज बीइंग यू नो जज इन दिस सेलेक्शन टेस्ट. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. द वन हु क्लियर द टेस्ट विल गो थ्रू द इंटरव्यू. इंटरव्यू में द एम्प्लॉयर गेट टू नो केम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द कैंडिडेट, लाइक द स्पीकिंग स्किल्स, राइट, कम्युनिकेशन स्किल्स एज यू कैन से. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड आउट द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट. टू सीक मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट एंड टू गिव हिम एंड हिम और हर एन एक्यूरेट पिक्चर दैट वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम एंड what is their role, right, what they are supposed to do, with details of terms and conditions, ki aapki organization ki policy kya hai, aap unse kya expect karte hain, right. Then comes reference and background checking. Isme aap ye dekh check karte hain ki koi reference to nahi hai. अगर किसी की कोई रेफरेंस से आया आता है तो इट इज़ द मोस्ट सुटेबल सोर्स. नहीं भी आया है तो आप बैकग्राउंड चेक करेंगे कैंडिडेट का, his family background, past employment, education, personal reputation, or he should not have any police record. ठीक है. After all this, अच्छा, let me tell you that these are the series of steps like receiving application and preliminary screening, selection, employment, reference, selection, and up to medical examination. This is a rejection process. If the employer found the candidate unsuitable, he reject the कैंडिडेट. ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्शन डिसीजन. यहाँ पर एक कैंडिडेट की लिस्ट बना दी जाती है जो क्लियर कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, सेलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस, राइट. एंड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल लिस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के हेड से कंसर्न किया जाता है कि आपको किस कौन आपके लिए बेस्ट सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल है. देन उन कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है दैट यू नो सर्व्स टू एसर्टेन द एप्लीकेंट्स फिजिकल कैपेबिलिटी, कि वो जॉब कर पाएगा अच्छे से, नहीं कर पाएगा. आगे इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो क्या वो यू नो अनवॉरंटेड क्लेम्स अंडर वर्कर्स कॉम्पनसेशन, कि कुछ हो गया तो अब पैसे दो, लाइक आप सी अगर कोई एक्सीडेंट, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, दैट्स ओके. आप काम करते हुए कोई मिस हैपनिंग हो गई तो कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बट इफ़ इन केस यू आर अनहेल्दी, आपको कोई एस्थमेटिक अटैक हो गया है जिसकी वजह से फिर अब आपकी फैमिली कॉम्पनसेट करने के लिए कह रही है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद दी कंपनी ऑल्सो. कंपनी विल गेट इन टू द ट्रबल, राइट. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम एंटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें पहले चेक की जाती हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन केस इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस, अगर हम इस तरह के एम्प्लॉयर को नहीं रखते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं. लेबर टर्नओवर या एब्सेंटिज्म, आप बोल दो कि बार बार बीमार पड़ने की वजह से छुट्टी नहीं लेगा लेबर जो आपके साथ काम कर रहा है, ठीक है. आफ्टर ऑल दिस द कैंडिडेट विल गेट दी जॉब ऑफर और यू कैन से दी गेट दी अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें सब टर्म एंड कंडीशन, नेचर ऑफ जॉब, उसकी सैलरी, कंडीशंस,
एवरीथिंग इज मेंशन, डेट ऑफ जॉइनिंग तक भी उसमें मेंशन होता है. ओके, देन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय जिसमें सारे टर्म और कंडीशंस होते हैं. जॉब टाइटल, ड्यूटीज, प्लेस, वर्किंग आवर, लीव रूल्स, पे स्केल एंड अदर बेनिफिट्स, टर्मिनेशन, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है. दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, वी आर वर्किंग ऑन दीज टर्म एंड कंडीशंस ऑल टुगेदर. इंडक्शन, वंस द न्यू एम्प्लॉय जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपीरियर टू इंट्रैक्ट हिम. यू नो, व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, ही मस्ट बी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस टू द सुपीरियर्स एंड फेलो एम्प्लॉयज. इससे वो क्विकली सेटल डाउन हो जाता है, और क्विकली सेटल डाउन होना इम्पॉर्टेंट भी है. दैट इज कॉल्ड इंडक्शन. अब प्लेसमेंट क्या होता है? लेट सपोज आपने एक स्कूल में एंटर किया, इट इज़ योर फर्स्ट डे. इंडक्शन तो हो गया है, मैम ने आकर आपको फैमिलियराइज करा दिया आपके बाकी क्लासमेट्स के साथ, बट आपको आपकी जगह नहीं बताई कि वेयर यू आर सपोज टू सिट, वेयर इज़ योर सीट. सो दैट इज़ प्लेसमेंट. द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर टू बी ऑफर्ड स्पेसिफिक जॉब, कुछ काम दिया जाता है उनको, ठीक है. देयर मस्ट बी अ मैचिंग बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय कंसर्न. आपने जिस पोस्ट के लिए उस एम्प्लॉय को रखा है, उसके लिए एक मैच होता है कि उसके अंदर वो क्वालिटी होती है जो जिस जो लाइक सपोज प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, लाइक सपोज एचआर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, उसके पास वो स्किल्स होंगी, उसके पास वो एक्सपीरियंस होगा. ओनली देन इफेक्टिव प्लेसमेंट विल टेक प्लेस. राइट प्लेसमेंट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टास्क. एक लंबा प्रोसीजर होता है बिफोर अ कैंडिडेट इज प्लेस्ड इन द राइट जॉब. सो जनरली कैंडिडेट एक प्रोबेशन पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है. मतलब देखते हैं, प्रोबेशन पीरियड मतलब एक साल या दो साल, उसके बाद उसको परमानेंट किया जाता है. वो ट्राई करता है डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स, देखा जाता है कि वो किस जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल है. लेट सपोज आपने प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन के लिए रखा किसी को, प्रोडक्शन के लिए रखा है किसी को, बट वो प्रोडक्शन में ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, वो स्टोर को ज़्यादा अच्छे से लुक आफ्टर करता है, राइट. सो दैट मीन्स हम एक साल के पीरियड में ये देखेंगे कि वो कितना किस जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल है, उसके बाद उसको ऑफर किया जाएगा एक परमानेंट पोस्ट एंड देन प्लेस्ड ऑन द जॉब फॉर विच ही इज़ मोस्ट सुटेबल. और फिर उसको उस प्लेस पर जॉब दी जाएगी, वो प्लेस दी जाएगी फॉर विच ही इज़ द मोस्ट सुटेबल. For that he may need some training to do the job later. Therefore his training need must also be identified during his probation period. Probation period के दौरान ये देखना है कि उसको किस training की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए trained करने की ज़रूरत है. So basically बेटा हमने इसमें दो terms पढ़े. The very first one is induction. ठीक है, इसमें induction में आप familiarize कराते हो, फैमिलराइज कराते हो न्यू एम्प्लॉय को विद दी ओल्ड एम्प्लॉयज़, ठीक है, विद देयर कलीग्स, विद देयर सुपीरियर्स, उनके साथ आप उनका इंटरेक्शन कराते हो, उन्हें फैमिलराइज कराते हो. साथ ही में आप हेल्प करते हो कि वो सराउंडिंग्स के साथ बेटर एडजस्ट कर जाएं, सो दैट दे कैन सेटल डाउन इजीली. देन नेक्स्ट इज प्लेसमेंट. आपने अपॉइंट कर लिया है, बट लेकिन आपने देखा कि that particular employed is employee is not you know settling down himself in the production area. Production area mein he is not performing good, to aap usko store par भेजोगे कि अब आप स्टोर को लुक आफ्टर करो. आपने ऑब्जर्व किया कि स्टोर को वो बहुत अच्छे से लुक आफ्टर कर पा रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग हिम प्रॉपर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग मींस आप उसको बताएंगे कि इक्विपमेंट्स यहाँ रखे रहते हैं, रॉ मटेरियल्स यहाँ होता है, मशीनरी यहाँ होती है. अगर आपसे कोई लेने आए स्टोर में, स्टोर मैनेजर से कोई लेने आए, तो आप यहाँ से उठा के दे सकते हैं. आपने ट्रेन कर दिया, वंस यू गेट ट्रेंड आफ्टर दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम. अब पता है कि वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ही इज़ नॉट परफेक्ट, उसे प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है, उसको उसके जॉब्स चेंज की जाती हैं, सेम रिलेटेड जॉब्स उसको दी जाती हैं, वो जिसमें मोस्ट सुटेबल होता है उसके लिए उसको परमानेंट पोस्ट मिल जाती है. ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. अच्छा, इफ़ यू डू रिमेंबर, सो यहाँ पर हमने पढ़ा था सिलेक्शन टेस्ट के टाइम पर द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल एंड ट्रेड टेस्ट.
राइट। अभी किस तरह के टेस्ट होते हैं आप इसमें पढ़ोगे, और क्या टेस्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एक्चुअली होते कैसे हैं। सो वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट अवेलेबल टू मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंडिडेट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब्स। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, आप मेंटल एबिलिटीज और कैपेसिटी देखते हो किसी एप्लीकेंट की, हिज मेंटल एबिलिटी एंड हिज कैपेसिटी, राइट। इट मेजर्स द इंडिविजुअल्स लर्निंग एबिलिटी, वो कितनी जल्दी कैच करता है या इंस्ट्रक्शंस को समझता है या डिसीजंस लेता है। देखो देर आर थ्री थिंग्स, एबिलिटी टू कैच, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस, ओके, एंड नेक्स्ट इज एबिलिटी टू मेक डिसीजन। बेटा अब ये तीनों चीज़ें, लेट सपोज आपने कोई फर्म ज्वाइन किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, कोई कंपनी ज्वाइन की है, तो ये देखेंगे वो काम करते हुए, एक तो आप कितनी जल्दी चीज़ों को कैच करते हो। कोई ऐसा खड़ा रहता है नील एकदम, उसको समझ में नहीं आता व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। कंपनी डू नॉट वॉन्ट सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़। इंस्ट्रक्शंस जो मिल रहे हैं आप उसको कितनी जल्दी फॉलो अप कर रहे हो, समझ रहे हो उसको और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। नेक्स्ट इज इफ़ यू स्टक इन एनी काइंड ऑफ ट्रबलिंग सिचुएशन, ठीक है, तो उस टाइम पर आप डिसीजन की आपकी पावर कैसी है, आप कितने कैपेबल हो कि आप डिसीजन ले सको क्विकली, राइट। इफ़ यू स्टक इन एनी काइंड ऑफ ट्रबलिंग सिचुएशन सो यू मस्ट बी एबल टू मेक डिसीजन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। So that is intelligence test. There are many verbal and non-verbal intelligence test constructed by psychologist. Kaun construct karta hai isko? Psychologist. For different jobs, different kind of jobs. Like suppose koi labor ko machine par kaam karna hai. Theek hai, ye machine hai जहाँ पर फ्रिज बनता है, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पर काम करना है, तो आपने लेबर को यहाँ पर खड़ा कर दिया और एक प्रॉब्लम आई, तो अब आप उसको बोलोगे यू आस्क देम टू सॉर्टेड आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो वो कहेगा ये समझ के बाहर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक कहेगा यस वी कैन अडॉप्ट सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, या वी कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और वी कैन इंटरचेंज द एम्प्लॉयज, राइट, सजेशंस देगा। सो दैट इज़ द थिंग जो साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, ये वर्बली भी होती है, बात करके भी की जा सकती है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम आई तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। कई सारी प्रॉब्लम सामने रखी जाती है एम्प्लॉयज़ के कि इफ़ सच एंड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम अकर्स व्हाट विल यू डू इन सच केस। नॉन वर्बल भी होता है कि उन्हें मशीन पे लाके खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आप, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में कि ऐसा हो तो आप कैसा करोगे प्रैक्टिकली। ओके नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। Aptitude test means the potential which an individual has for learning the skills required to do a job efficiently. What does it mean? Means potential देखा जाता है किसी individual का, जो उसको चाहिए होता है या उसके पास होता है for learning some new skills, जो कि किसी काम को efficiently बेहतरीन तरीके से करने में helpful होती है। लाइक सपोज हमने ये लिया था, तो एबिलिटी टू कैच, हर किसी के पास ये पोटेंशियल नहीं होता कि वो चीज़ों को कैच कर सके। एवरीबॉडी डू नॉट हैव दैट पोटेंशियल, दे कुड अंडरस्टैंड दी इंस्ट्रक्शन एंड वर्क अकॉर्डिंगली। एवरीबॉडी डू नॉट हैव दैट पोटेंशियल, ठीक है, और अगर कोई इंस्ट्रक्शन समझ जाता है तो येस वो एफिशियंटली बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम को करेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझ रहा है तो वो कुछ को कुछ काम दिया जाएगा, काम कुछ करेगा, वो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आया what instructions I have been given, right? So aptitude test measures an applicant's capacity and his potential for development. आप जितना सीखोगे आप उतना develop करोगे. Aptitude test are the most promising indices for predicting worker's success. See, आप किस तरह से catch कर रहे हो चीज़ों को, आप किस तरह से समझ रहे हो, आप जितना अच्छा कैच करोगे, समझोगे, उतनी अच्छे से काम करोगे, आपका डेवलपमेंट होगा, आप सक्सेस की तरफ आगे चलोगे। सो देर आर टू टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, फर्स्ट इज कॉग्निटिव, सेकेंड इज मोटर टेस्ट। व्हाट इज देयर इन कॉग्निटिव टेस्ट? कॉग्निटिव टेस्ट मेजर करता है मेंटल और इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड्स।
आप मेंटली और इंटेलेक्चुअली किस तरह से बिहेव करेंगे। मोटर टेस्ट, इट मेजर द फिजिकल डायमेंशन जैसे मैनुअल डेक्सटेरिटी और हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अच्छा, इंटेलेक्चुअल मेंटल आपको समझ में आ गया बेटा। कॉग्निटिव, इट मेजर्स मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल क्या होता है? पर्सन्स एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। वो कैसे सोच रहा है और कैसे समझ रहा है चीज़ों को। नेक्स्ट इज मोटर टेस्ट, इट मेजर द फिजिकल डायमेंशन लाइक मैनुअल डेक्सटेरिटी। व्हाट इज मैनुअल डेक्सटेरिटी? समवन्स एबिलिटी टू यूज, काइंडली नोटेड डाउन दिस। व्हाट इज मैनुअल डेक्सटेरिटी? इट्स समवन्स एबिलिटी टू यूज हैंड्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस स्किलफुली सो इट लुक ईजी। कोई किस तरीके से काम को हैंडल कर रहा है अपने हाथों से, मतलब खुद से कर रहा है, सो दैट डिफरेंट एक्शंस ऐसा लगे कि बहुत इजी हो गया है काम। सी, कोई किसी काम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और वही कोई ऑन द अदर हैंड द अनदर पर्सन मेक इट लुक सो इजी। तो ये देखा जाता है कितना मैनुअल डेक्सटेरिटी है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज मैनुअल डेक्सटेरिटी? समवन्स एबिलिटी टू यूज हैंड्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन स्किलफुली सो दैट इट लुक ईजी, और यू कैन से हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और यू कैन से हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आप समझे इस चीज़ को? आप देख रहे हो और कर रहे हो, तो आप देख रहे हो और कर रहे हो और दिखने में दूसरों को लग रहा है मुश्किल, बट आपने उस काम को आसान बना दिया है। दैट इज मोटर टेस्ट। नेक्स्ट इज ट्रेड और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। व्हाट इज ट्रेड और प्रोफिशिएंसी? प्रोफिशिएंसी मीन्स हाई डिग्री ऑफ स्किल्स, skills, high degree of skills. Proficiency test are those which are designed to measure the skills already acquired by the individual. किसी individual के अंदर already कितने skills हैं, proficient कितना है वो, and they are known as occupational or trade test, right? एक किसी individual के अंदर already कितनी skills हैं पहले से, that is known as trade or occupational test. They are used to level the knowledge, test the level of knowledge and proficiency. किसी individual को कोई काम करने के लिए already उसके पास कितनी knowledge है और वो कितना proficient है। Proficient मतलब कितने skills हैं उसके पास to do a specific job, right? Next is interest or motivation test. What is interest and motivation test? Interest test identify pattern of interest. ठीक है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, दैट इज़ एरिया इन विच द इंडिविजुअल शो स्पेसिफिक कंसर्न। कई बार होता है कि आपने जॉब दे दिया है सेल्स में, बट उसका इंटरेस्ट प्रोडक्शन में है। फैसिनेशन मीन्स अट्रैक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, उसका उस काम के अलावा जो वो काम कर रहा है उसके अलावा और किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कितना वो अट्रैक्ट है, कितना कंसर्न है और दूसरी चीज़ के लिए। दिस वुड सजेस्ट व्हाट टाइप ऑफ जॉब मे बी सेटिस्फाइंग टू द एम्प्लॉयज़। से हमें वी गेट टू नो कि वो ज़्यादा अच्छा प्रोफिशिएंट किस चीज़ में है, सो दैट उसे भी उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सी, आपको कोई ऐसा जॉब दे दिया जाए जिसे करने में आपका कंसर्न शो होता है, आपका अट्रैक्शन शो होता है, आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर ये तीनों चीज़ों के साथ आप किसी काम को करोगे तो यस, आप वो काम पूरा कर दोगे। दैट इज़ इंटरेस्ट और मोटिवेशन टेस्ट। ये पता लगाना कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, राइट? नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। सच टेस्ट आर डिज़ाइन टू ऑब्जर्व हाउ जॉब एप्लीकेंट्स रिएक्ट टू रियल लाइफ सिचुएशंस। पर्सनैलिटी टेस्ट, रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है और ऑब्जर्व किया जाता है कि अब एप्लीकेंट इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रॉब मीन्स देखना, ऑब्जर्व करना, फॉर द क्वालिटी ऑफ अ पर्सनैलिटी एज अ होल। पर्सनैलिटी देखना किसी इंडिविजुअल की एज अ होल, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स पोटेंशियल, इंटरेस्ट और यूजुअल मूड एंड टेम्परामेंट, मतलब नेचर। वो शॉर्ट टेम्पर, जल्दी उसे गुस्सा आता है या गुस्सा ही नहीं आता है, नेचर विच अफेक्ट हिज बिहेवियर। बेटा, काइंडली नोटेड डाउन एवरीबडी, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू काइंडली नोटेड डाउन दी वर्ड टर्म्स आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड हियर इज पोटेंशियल,
इंटरेस्ट, यूजुअल मूड एंड टेम्परामेंट मीन्स द नेचर विच अफेक्ट हिज बिहेवियर. दे आर कंसर्न्ड विद डिस्कवरिंग क्ल्यूज टू एन इंडिविजुअल्स वैल्यू सिस्टम. वो कितना इमोशनल है, कितना मैच्योर है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अ कैंडिडेट फॉर अ मैनेजरल जॉब मे बी गिवन अ टिपिकल प्रॉब्लम विच रिक्वायर ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग. किसी मैनेजर को, ठीक है, मैनेजरल जॉब के लिए एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, उसको एक टिपिकल प्रॉब्लम दे दी गई है. अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? इन केस आपकी टीम में इस तरह की प्रॉब्लम अकर हो, सो व्हाट विल यू डू इन दैट पर्टिकुलर केस? तो उसको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है. सो इसमें ये देखा जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, उसका टेम्परामेंट कैसा है. ओके, सो हियर वी आर एंडिंग अप आवर टॉपिक, दैट इज सेलेक्शन. काइंडली गो थ्रू द टॉपिक एट होम एंड डू नॉट फॉरगॉट टू प्रिपेयर योर नोट्स अप टू हियर. एनी डे आई कैन आस्क यू फॉर द नोट्स. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर टॉपिक, दैट इज ट्रेनिंग. रिक्रूटमेंट वी आर डन, सेलेक्शन वी आर डन, फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट द अनदर टॉपिक, दैट इज ट्रेनिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड लर्निंग. थैंक यू.